संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्ध महान महान जिन विचरे समय सार कर्ताक्रम समय सार परमागम का कर्ताक्रम अधिकार चल रहा है, जिसमें गुणोत्तरवीं गाथा से आरंभ हुआ था और अपन 86वीं गाथा तक आ गए हैं। तो समझ लीजिए कि गुणोत्तर गाथा से लेकर 86वीं गाथा तक जो बात उन्होंने कर्ताक्रम अधिकार में कही है, उस बात को अपन ने 11 तारीख से जो व्याख्यान शुरू हुए अभी तक अपन ने इतनी वो बात अपन ने कही है। और ये जो 6 कलश हैं वो एक तरीके से उन सारे ही प्रकरण का उपसंहार है, क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण के कलश में भी ये बात कही थी कि एक चैतन्य आत्मा करता है और क्रोधादिक मेरे कर्म है, ये बात कही थी ना। एक को ऐसा है ना, कलश कैसा बोलिए ना, एको आत्मा चिदात्मा कर्त कर्म को पादयोमी, ऐसा था इत्यब ध्यान। हाँ, एका कर्ता चिदेह में कर्म को पादयोमी, ऐसा कहा था ना। इति अज्ञानम, ये अज्ञानियों की मान्यता है, और समित मभता, इस चारों तरफ से इसको मेटता हुआ, ये भगवान आत्मा ये ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, मैं उस ज्ञान को नमस्कार करता हूँ, जिस ज्ञान ने कर्ता कर्म का भाव मेटा उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर वो निष्कर्ष में आकर के इन 6 कलशों में उन्होंने पूरी प्रकरण का निष्कर्ष कह दिया है। देखो हम संस्कृत से देखते हैं, उन्हें इन 6 में 5वां कलश अपन ने कल विस्तार से पढ़ा था, है ना। अब बाकी के 4 शुरू के वो 1 छठवां कलश पर अपन बात करते हैं। यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेत तत्कर्म, यह परिणति क्रियासा, त्रियमपि भिन्नम न वस्तुतया। व्याकरण शास्त्र में कर्ता की परिभाषा आती है तो लिखा है वहां स्वतंत्र कर्ता, और ये अध्यात्म शास्त्र में जो कर्ता की व्याख्या आ रही है, या परिणमति सा कर्ता, कि जो परिणमित होता है वो कर्ता है। जैसे मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो मिट्टी कर्ता होगी, तो ये नियम हटाओ, जो परिणमित होता है उसका नाम कर्ता है, और जो वो जो परिणमित होकर जो बना जो हुआ वह परिणामो भवेत तू तत्कर्मा, और उसका वो परिणाम जो परिणमित हुआ वो उसका हुआ कर्म। और या परिणति, जो उसमें जो चेंज हुआ उसका नाम है क्रिया। अब त्रयम अपि भिन्न न वस्तुतया, वस्तु की दृष्टि से विचार करें तो तीनों भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। अब वस्तुतया लिखा ना, यदि लिख दे कि निश्चय न से, तो यद्यपि बात में कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में एक फितूर घुसा हुआ है ना कि ये तो निश्चय न से कहा है, ये तो व्यवहार न से कहा है, ये तो द्रव्यार्थिक न से कहा है, जैसा कि जैसे ये है ही नहीं। इसलिए आचार्य देव ने निश्चय ने ऐसा प्रयोग नहीं करके वस्तुतया, बस वास्तव में ये बात है ना। मैं एक नियम बना, ये नियम है। अब कुमार यदि घड़े रूप परिणमित हुआ हो, ख्याल में आई ना, कुमार यदि घड़े रूप परिणमित हुआ हो तो हम कुमार को कर्ता मान लेंगे, ख्याल में आई ना। ऐसे ही ये आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ, समझ नहीं रहा कि सम्यक्त रूप परिणमित हुआ, अभी मिथ्यात्व तो सम्यक्त का भेद यहाँ नहीं करने का, क्यों कि आत्म जो द्रव्य है उसकी जो परिणति है, तो सिद्धा गुण का जो मिथ्यात्व रूप परिणमन है ना,
श्रद्धा गुण का जो मिथ्यात्व प्रणमन है वो तो श्रद्धा ही गुण का है ना, वो तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद बाद में डालेंगे। जब हम ये बात करते हैं कि आत्मा करता है कि नहीं करता है, तो इसमें ज्ञानी और अज्ञानी का भेद कहाँ है? फिर हम कहते हैं ज्ञानी आत्मा रागादिक का कर्ता नहीं है और अज्ञानी करता है, तो हमने फिर आत्मा के दो टुकड़े कर दिए। तो इसमें आत्मा करता नहीं है इस बात का निषेध नहीं हुआ, क्यों? हमने आत्मा के दो भेद कर दिए, और वास्तव में आत्मा के तो दो टुकड़े हो ही नहीं सकते। तो इसको और यदि हम सही भाषा में बोलें तो हम ये कहेंगे अज्ञान अवस्था में आत्मा करता है और ज्ञान अवस्था में आत्मा करता नहीं है, क्यों? तो इसका आगे यही अर्थ है ना, आत्मा तो एक ही है, हमने अभी दो आत्मा खड़े कर दिए कि ये ज्ञानी और ये अज्ञानी है, ये करता है और ये करता नहीं है, तो अन्याय लगता ना। अब कह रहे आत्मा तो एक ही है, अज्ञान अवस्था में ये करता था, अब ज्ञान अवस्था में ये करता नहीं है। फर्क पर समझ में आए ना, तो भाषा में कितना फर्क पड़ा, दोनों अर्थ इतना ही है, वो दो ही भाषा शास्त्र में आई है, कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई अज्ञानियों ने प्रयोग कर दी है। अब और आगे कि अज्ञान अवस्था में आत्मा करता है और ज्ञान अवस्था में करता नहीं है, तो ज्ञान और अज्ञान ये दोनों अवस्थाएं हैं, अच्छा ना? तो फिर कह कहेंगे पर्याय दृष्टि से करता है, दिव्य दृष्टि से करता नहीं है। अब असमय पर्याय, असमय पर्याय की बात कर लेंगे, कर लेंगे वहां, और दिव्यार्थ के पर्याय से नहीं तो ऐसे भेद करते ही नहीं है। तो पूछेंगे भाई पर्यार्थ के नैसे तो करता है पर्याय का, तो फिर दिव्यार्थ के नैसे क्या है? तो वो कहे कुछ नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। आखिर लिखा ना कि परम शुद्ध निश्चय नैसे रागादिक का कर्ता कौन है, तो आचार्य ने लिखा कि निश्चय नैसे आत्मा में रागादिक है ही नहीं, जो है ही नहीं उसका कर्ता कौन कहोगे? अब समय सार में ऐसी भी कथाएं आती हैं, परमाणु मात्र भी राग जिनके विद्यमान हो वो सब्बागम धरो भी मिथ्या दृष्टि। अब ये गाथा में कितना परस्पर विरुद्ध दिखता है, कितनी 272 जो भी होगी है, 201 में तो सब्बागम धरो भी परमाणु मात्र, परमाणु मात्र राग जिसके विद्यमान है वो सर्वागम का धारी हो, मैं द्वादश अंग का पाठी हो तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। और इस गाथा में देखें तो कितने परस्पर विरुद्ध कथन है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि द्वादश अंग का पाठी होता ही नहीं। अब अगर हो तो क्या, होता ही नहीं है तो एक कल्पना में प्रश्न करने से क्या फायदा है, क्यों था? एक काल्पनिक प्रश्न करने से क्या फायदा है, बोलिए कि हो तो। पहली बात तो यही है, सब्बागम धरो भी और परमाणु मात्र भी राग हो तो राग तो दसवें गुण स्थान तक रहता है, तो क्या दसवें गुण स्थान तक जी मिथ्या दृष्टि रहेगा, दिखता क्या नहीं दिखता है? अरे ये सब मिक्सर हो गया मामला, क्योंकि राग दसवें गुण स्थान तक रहता है, ऐसे कौन इनकार कर सकता है? ये तो पत्थर की लकीर है, केवल ज्ञानी की कही हुई बात है, करुणानियों की बात, कि हमने अपने आप से निर्णय तो कर नहीं सकते, हमने तो देखे नहीं है दसवें गुण स्थान में राग है कि नहीं है, कौन है कितना है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया वही हम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो सीधा भगवान को चैलेंज है। तो अब आचार्य अर्थ करने वाले क्या कहे, टीकाकार, उनके टीकाकार हैं अमृतन हैं जयसेन हैं और जो भी होंगे हों आज तक और हो रहे निरंतर होते रहेंगे, क्यों? लेकिन एक गाथा गलत लिखी है कुंड ने, एक टीकाकार होंगे ये आजकल जैसे टीकाकार होंगे, लेकिन ये टीका टिप्पणी बहुत करते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं ना, ये
आलोचना करने वाले होंगे, समालोचना करने वाले नहीं होंगे। तो वो टीकाकार का क्या काम है? सब्बागम माने 11 और 9 पूर्व। क्यों? सब्बागम का तो द्वादश अंग स्पष्ट अर्थ है कि नहीं, क्यों कि वे तो होता ही नहीं। तो इससे इन्हें गलत नहीं करेंगे, तुम ये अर्थ करो उनने सर्वागम, क्योंकि बहुत बड़ा अंश आ गया तो उसको हम कह देते हैं कि देखो इन्होंने बहुत, इन्हें सब कुछ पढ़ा है, ऐसे अर्थ में समझो उसका अर्थ। बस 11 अंग और 9 पूर्व और परमाणु मात्र राग का अर्थ अनंतानुबंधी राग अर्थ समझो। बोलो। और ये असली टीकाकार है क्या? तो किसी ने कहा कि मूल ग्रंथ में तो ऐसा है नहीं, साफ साफ शब्दों में लिखा है, और आप ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न राजवार्तिक में सर्वार सिद्धि में किया है। कौन सा प्रकरण है? पीत पद में शुक्ल द्वि त्रि शेषेषु, ये जानते हैं सूत्र कहाँ का है? तत्वा सूत्र का है, कौन से अध्याय का है? वर्णन चल रहा है कि कौन से स्वर्ग में कौन कौन सी लेसाएं होती हैं। तो स्वर्गों का वर्णन तो भैया चौथे अध्याय में है, तो चौथे अध्याय में होगा, है ना? क्या लिखा? कि जो 16 स्वर्ग हैं उस पीत पद में शुक्ल द्वि, द्वि माने दो युगलों में, माने 4 स्वर्गों में पीत लेसा है, त्री चौथे 5 में से लेकर 10वें तक 6 स्वर्गों में पद्म लेसा है, और बाकी के बच्चे कितने? 6, तो उनमें शुक्ल लेसा है। इस सूत्र का सीधा सच्चा अर्थ ही निकलता है। अब जब राजवार्तक वगैरह ने सर्वा सिद्धि में ऐसा अर्थ किया कि पहले दूसरे में पीत और तीसरे चौथे में पीत पद्म, ऐसे मिला मिला करके मिक्सर वर्णन किया, तुमने कहा मूल सूत्र में तो अर्थ है ही नहीं, बहुत साफ है, और आप ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आगम में है। तो उन्होंने कहा जब उस आगम, जिस आगम में होगा उस आगम का अर्थ करते तब बताते, यहाँ यहाँ क्यों बता रहे हो? कि हम टीकाकार हैं ना, यदि जितना सूक्ष्म कर, वो स्थूल सूक्ष्म नहीं, संक्षिप्त, जितना संक्षिप्त कथन सूत्र जी में है यदि उतना ही संक्षिप्त हम करें तो फिर टीका क्या होगा? फिर तो वो अनुवाद हुआ कि 2-3 अनुवाद हुआ, और हम ये बता रहे हैं ये टीका हुई, क्योंकि संपूर्ण जनागम है, उस संपूर्ण जनागम में ऐसा ऐसा कथन है, वो हमने यहां बता दिया, समझे ना? ये टीका हुई। तो कहते ये टीका में अधिकार है उसे, कि हमें ये अधिकार है प्राप्त, क्योंकि ये अन्य आगम से टकराना नहीं चाहिए, और अन्य आगम से टकराए नहीं ऐसा अर्थ करना टीकाकार की जिम्मेवारी है। यहाँ आचार्य भूल गए लगते हैं, ये समझे ना, ये टीकाकार का काम नहीं है। जहाँ मान लो वो स्पष्ट अर्थ नहीं समझ पाए तो वीरसेन स्वामी ने उसके लिए बताया है रास्ता कि त्रिगुणा सप्तगुणा वा, कहते हैं अभव्य सिद्धों से इतनी जो स्त्रियों की संख्या है ना, या तो ये त्रिगुणी या सप्तगुणी है। तो शिष्य ने कहा गजब करते हो, त्रिगुणी और सप्तगुणी में तो बहुत फर्क है ना, त्रिगुणी और सप्तगुणी में तो बहुत फर्क है, इतना अंतर हो सकता है? एक आध कम ज़्यादा कहो तो चले। तो उन्होंने कहा फला आचार्य कहते हैं त्रिगुणी है, फला आचार्य कहते हैं सप्तगुणी है। तो हमने दोनों आचार्यों का मत बता दिया, तो आप क्या मानते हैं? क्या कि हम ये मानते हैं कि फला आचार्य कहते हैं त्रिगुणी है और फला आचार्य कहते हैं कि सप्तगुणी है, हम ये मानते हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई, आप अपना मत बताइए, त्रिगुणी है या सप्तगुणी, दोनों तो सत्य हो नहीं सकते हैं। तो उन्होंने लिखा
इनमें कौन आचार्य झूठे हैं, एक कहने के लिए हमारी जवान उपड़ती नहीं है। हम केवली तो है नहीं ये निर्णय कर सकें। आपने बुद्धि कम में पसंद नहीं है। अब तो ऐसे कैसे हो गया कि जो परंपरागत चला आया होगा ना, अब उन्होंने लिखा होगा सात और उन्हें उसे एक आचार्य ने तीन पढ़ लिया होगा कि तीन लिखा होगा सात पढ़ लिया होगा, एक अक्षर में हो जाता ना, कभी कर नहीं जाओ हो गया। अब क्या करें, हो गया अब खत्म। तो दोनों मत हम बता देंगे बस, ये क्या करेंगे। ये भी टीकाकार का काम है, समझ गए आप। हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपने तो ये फलाना ये कहते, जैसे नहीं कहते फलाना ये कहते फलाना ये कहते हैं, और कहीं कहीं तो अपनी टिप्पणी टीका लिखी और कहीं कहीं आप बिल्कुल को कह करके आगे ही बढ़ गए, खत्म। तो जो मत उपलब्ध होते हैं उन्हें बता दिए, ना हम, और हम क्या करें उसके लिए। आप मेरा मतलब समझे ना। लेकिन जैसे नए चक्र है तो नए चक्र में पहली शैली के नए और दूसरी शैली के नए, उन्होंने हम उन उसमें हमने अपना मत व्यक्त किया है। कि एक दो में जबरदस्त कारण ये है कि पूर्व कुंद कुंद से लेकर पूरी आचार्य परंपरा उसके वहां तक और राजमल जी के बाद भी सारी आचार्य परंपरा में वो पाया जाता है और हर ग्रंथों के कथन में भी वो पाया जाता है। और दूसरी ये है कि वो आचार्य थे ये पंडित थे, इतना बड़ा फर्क है ना। क्यों, और अकेले एक आचार्य नहीं थे, आचार्यों का एक पूरा समुदाय था और वो प्रतिष्ठित आचार्य थे जिनके बारे में उंगली नहीं उठाई जा सकती, ऐसे आचार्य थे। और तर्क से भी तो समझ में आता है ना। क्या तर्क है कि साहब ये बताओ आप कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद आप हैं, ये अपने हैं और ये शरीर अपना है, तो यदि इनको आप नए नहीं मानोगे, नया भास मानोगे, तो फिर ये जो हमारा चरणानियोग का व्यवहार है स्वस्त्री और परस्त्री का, परस्त्री छोड़ो स्वस्त्री है ना, ये कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम, कि हम नया भास से काम चला लेंगे। क्या ये आती बात, नया भास से तो जिसके बिना तुम्हें काम नहीं चलता है, उसको किसी भी रूप में सही मैं मानो ना भले आदमी, तुम खुद ही कह रहे है। वो कहते हैं आगम में काम नहीं चलता है, मतलब आप समझे ना, उस तुम नया भास से काम चलाओगे, ये कैसी अटपटी बात है। देखो इस बात का उत्तर मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण से देता हूँ, भाई जी तो समझा ही रहे हैं। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि भगवान, मैं एक प्रश्न करता हूँ छोटा सा, उस संदर्भ में मुझे समझाना है आपसे, उत्तर मुत्तर नहीं चाहिए, घबराना नहीं। जैनी क्या क्या काम कर सकते हैं, अपने आजीविका के लिए काम करना है तो क्या कर सकते हैं बोलो। हम क्या काम करें ये सलाह अलग बात है, क्यों तो दुनिया में 50 काम हैं, तो हम क्या काम करें ये अलग बात है। और जैनी क्या क्या कर सकते हैं, जैनी जो ये काम करे वो जैनी नहीं, ऐसा कोई काम है बिजनेस में व्यापार में खेती में आजीविका के लिए जो जो जगत में चलते हैं बोलो। कहाँ साहब उसे खेती बाड़ी नहीं करना चाहिए, उसे सेना मारने का पुलिस का काम नहीं करना चाहिए, सेना में नहीं जाना चाहिए, क्यों ये हत्या का काम है ये नहीं करना चाहिए, और लेटरिन बाथरूम साफ नहीं करना चाहिए, भंगी का काम नहीं करना चाहिए, क्यों। ये बात बिल्कुल सही बात है, जैनी तो अच्छे से अच्छा काम करें ना, बढ़िया बढ़िया। हम कब कहते हैं बुरा काम करें। अब ये जो आपने जो भी आप समझ लिया, अब आपके दिमाग में उत्तर आया हो, अब मेरा एक प्रश्न है कि हम जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि आदिनाथ के समय में सारा देश जैन था, किसी तीर्थ कभी भी समझ लो आप, तो सारा देश जैन था, तो उस देश में लैट्रिन साफ होती थी कि नहीं, हेमचंद जी कह रहे बाल बनते थे कि नहीं, नाई होंगे क्या नहीं, और नाई होंगे तो वे जैन होंगे क्या जैन, तो सारा देश जैन कैसे रहा, लैट्रिन साफ करने वाले जैन होंगे क्या जैन, खेती होती थी कि नहीं, क्यों खेती जैनी को नहीं करना चाहिए, ऋषभ देव ने सिखाई थी, इसलिए खेती करना चाहिए इसका समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं, उल्टा अर्थ नहीं समझना,
क्या समझ में आया ना? मैं तो ये कहता हूँ जब सारा देश को आपको जैनी बनाना है तो जो देश के लिए आवश्यक काम हैं, क्यों वे हर एक जैनी कर सकता है क्या? नहीं। मैं पूछता हूँ भरत चक्रवर्ती की सेना में सब अजैनी सैनिक होंगे और जय कुमार भी अजैन होगा जो सेनापति था ना, क्यों? अर्जुन भी अजैन होगा, सेनापति था ना, बोलो। जब तुम सारे देश को जैनी की कल्पना करते हो तो तुमको एक कह ही नहीं सकते कि जो देश के लिए जिस काम की जरूरत है वो काम जैनी नहीं कर सकता। अब भाग्य की बात है, तुम कहो कि हम क्या करें? यदि एक व्यक्ति का चुनाव हो तुम क्यों हमसे तुम पूछो कि हम क्या करें? कि तुम कुछ मत करो, दीक्षा लेके साधु बन जाओ। व्यक्तिगत तो हम ये कहेंगे, हम कहेंगे क्यों? आप समझे ना? और यदि तुमको कोई आजीविका के लिए कुछ करना है, गृहस्थी में रहना है, तो जिसमें हिंसा नहीं हो, झूठ नहीं हो, चोरी नहीं हो, ऐसे कम से कम पाप का प्रसंग हो, ऐसा करो। तो इसमें इसके लिए ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ये चुनाव की बात अलग है। देखो समाज व्यवस्था अलग है और धर्म अलग चीज है। क्यों? एक सही घटना है। मैं सन 65 में, 65 समझते हैं, 65 मैं इंदौर गया था परिसर में, तो कांच के मंदिर के सामने पंडाल लगकर बड़ा व्याख्यान होता था वहाँ। तो व्याख्यान चल रहा था, भरी सभा में एक लड़का खड़ा हो गया। तो मैंने सत्य की खोज में वो घटना लिखी है और बोला मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा भैया बाद में पूछ लेना, मैं दुबला पतला आदमी हूँ। क्या नहीं, जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोले भगवान महावीर की वाणी के अनुसार विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ गया ना क्या प्रश्न? समझ गया, विधवा समझते हो है ना? मैंने कहा ये बहुत होशियार आदमी दिखता है। मैंने 5 दिन की कड़ी मेहनत करके जो इतनी भीड़ इकट्ठी की है कि जो इतनी शांति से प्रवचन सुनते हैं, कल 15 मिनट तक लाइट चली गई, एक आदमी हिला नहीं और एक आदमी ने कोई आवाज नहीं लगाई। क्यों? लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे आत्मात्मा की बातें करते हो, क्या निकला उसका फल क्या, हमें तो कुछ दिखता नहीं, हमें तो वैसे ही सब दिखता। ये देखो आकर के दुनिया की किसी भी सभा का ये बता दो मुझे, 2 मिनट को लाइट जाए फिर देखो, सिनेमा के अंदर तो जाए 1 मिनट को लाइट फिर देखो, सिनेमा में आग लगा देते हैं लोग। क्यों? एक सब कोई हिला भी नहीं कि उठ के चला जाऊं। और ऐसा नहीं कि वो मेरी जादू का पर मैं असर था, मैं तो वहां वक्ता नहीं था ना। मैं ये कहता हूं कि एक गुरुदेव का पुण्य प्रताप है कि उन्होंने ऐसे श्रोता पैदा किए कि हमको जो ऐसी सभा मिली। एक बच्चे का भी प्रवचन क्यों ना हो, क्यों? और यदि कोई ऐसी याद आए तो नो रिएक्शन, और जब आई लाइट तो बस जहां छोड़ा था वहां से शुरू हो गया बच्चे का प्रवचन और सबने शुरू कर दिया, सबने शुरू कर दिया। कोई विकल्प ही नहीं किसी को। ये क्या है बाबा जी? ये जादू करके बताए सारे हिंदुस्तान में, कोई सारी दुनिया में करके बताए, प्रयोग करके समय सार के पढ़ने का सुनने का क्या लाभ हुआ है? ए, 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 ए हुआ है दुनिया। तो हम क्यों ऐसा काम? सवाल ये है कि सारे जैनी हम कैसे किसी काम को छोटा और बड़ा कह सकते हैं? हम क्यों कोई अहिंसक काम करें? तो फिर क्या कहा मैंने,
उसने कहा कि ये मैं कहता हूँ कि विधवा का विवाह होना चाहिए, तो जो पगड़ी छाप लोग हैं ये कल मेरा व्याख्यान सुनने नहीं आएंगे, आधी सभा इसके पक्ष में हो जाएगी, किसके, ये प्रश्न पूछने वाले के, और मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए तो ये नंगी टोपी वाले बिना टोपी वाले भाग जाएंगे, ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से सारी सभा में कुछ ना कुछ लोग विधवा विवाह के पक्ष वाले हैं और कुछ ना कुछ लोग पक्ष वाले नहीं हैं, ख्याल में है ना, ये निश्चित रूप से ये गड़बड़ी होने वाली है। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा प्रश्न किया तूने कि भगवान महावीर के अनुसार विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे महावीर के अनुसार तो ना विधवाओं का होना चाहिए, ना सधवाओं का होना चाहिए, ना कुंवारियों का होना चाहिए, और जिनका हो गया हो उन्हें भी छोड़ के दीक्षा ले लेना चाहिए। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी समयसारी कहलाते थे, स्वामी जी से भी पहले हिंदुस्तान में समयसार का डंका बजाने वाले कोई थे तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी है ना, और उनने कहीं किसी प्रकरण में किसी विधवा की दुर्दशा देख के और उसके प्रति थोड़ा नरम रुख प्रदर्शित कर दिया होगा, कोई पक्ष में उनने कोई प्रचार नहीं किया कभी, तो उनको बस विधवा भाई के समर्थक कह कह के बहिष्कार कर दिया सारी समाज ने, और समय सार को तकलीफ हो गई, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं, होए नहीं होए लेकिन मेरा समय सार खतरे में पड़ जाए, तो समय सार शांति से सुन रहे हैं क्यों, वो उस झगड़े में क्यों पड़ूं। मेरा कोल्हापुर में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत पुरानी बात है, कोल्हापुर में मैंने शिविर किया था, तो पहले तो हमारे जब पहले पहले पहुंचे तो जब सभा हुई हमारी तो ऐसा वातावरण था कि मैं था वक्ता और बाबू भाई थे श्रोता के लिए, बस खत्म सभा के टाइम पर, तीसरा आदमी नहीं था क्योंकि तो व्यवस्थापक थे धन कुमार जी बेलोकर, वही दो तीन आदमी और थे, बस खत्म। फिर धीरे धीरे हमने शुरू किया तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो साउदपुरी का मंदिर है ना, समाज का मुख्य मंदिर, तो उसमें भी हमारा व्याख्यान हुआ, और फिर सामने ही थानक है कोल्हापुर में, तो थानक में भी हमारा व्याख्यान हुआ, वहां से भी इतनी महंगाई सब आने लगे थे गम्बर से दाम से, तो थानक में व्याख्यान हो रहा था, तो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये एकदम आकर के सात दिन में तो इसने कोल्हापुर को जीत लिया। तो वहां एक भाई ने खड़े होकर प्रश्न किया, क्या कैसा आप स्त्रियों को मुक्ति हो सकती है कि नहीं, केवली कबलाहार करते हैं कि नहीं। मैंने कहा चौथे काल का झगड़ा तुम पंचम काल में क्यों लाते हो, इस पंचम काल में तो ना स्त्रियों को मुक्ति होती है ना पुरुषों को होती है, झगड़ा ही नहीं है, केवली भगवान है ही नहीं, केवली भगवान है ही नहीं कि वे आहार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये समस्या है क्या। अरे पंचम काल के झगड़े तो हमसे निपटते नहीं है और तुम चौथे काल के झगड़े भी हमारे सामने लाए, नहीं नहीं साहब वो चौथे काल में, फिर चौथे काल में निपटे कैसे। मैंने कहा भैया उस वक्त तो सब पारसनाथ महावीर सब बड़े बड़े तीर्थंकर बैठे होंगे, गणधर देव बिराजे होंगे, तो अपन को क्या भी निपटा लेंगे क्या, फिर उसमें अपनी क्या जरूरत है, जब उस समय में ऐसा प्रश्न खड़ा होगा तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराज रहे होंगे, उसका जवाब मिल जाएगा, क्यों तुम घबराते हो। कि नहीं साहब फिर भी मैं कहा मेरे से कोई पूछेगा तो मैं एक बताता हूँ उपाय, कि क्या कि यदि महिलाएं मोक्ष जाएंगी और दिगंबर भाई रोकेंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़ लूंगा कि भैया जाने दो ना, तुम्हारी माँ बहन है, कोई दूसरी थोड़ी जा रही है, क्यों रोकते हो। और नहीं जाएंगी तो मैं सितंबर भाइयों से हाथ जोड़ लूंगा कि नहीं जा रही तो मत जाने दो, क्यों जबरदस्ती घर से निकालते हो।
और मैंने कहा हम भोजन करने जाते हैं तो ये लोग इतना इतना प्रेम दिखाते हैं, इतने जबरदस्ती कि हमें अपनी थाली की रक्षा करने में उससे ज़्यादा मेहनत होती है जितनी मेहनत भारतीय की सरकार को कश्मीर की रक्षा करने में लग रही है। यहाँ से लड्डू, यहाँ से मैंने नहीं डाला, क्या करें, जरा निगाह हटी है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाल देता, हम खाली में छोड़ते नहीं, क्या करें, बहुत कठिन काम है। जब इतना प्रेम ये श्रावक गण हमें बताते हैं, बिल्कुल साधारण पंडित हैं, उन भगवान की केवली भगवान की बात को थोड़ी आपके सामने कहते हैं, बस खत्म, और क्या है, हमने कुछ नहीं। क्यों, तो ये श्रावक गण तो इतने भगत हैं कि इतना प्रेम करते हैं, वो साक्षात केवली भगवान इनके यहाँ आर करने आएंगे और ये कहेंगे हम किताब में देखते हैं कि हमारे यहाँ करते कि नहीं करते, हम नहीं कराएंगे, ऐसा ऐसा अविवेक दिगंबर नहीं करेंगे। क्यों, और यदि उन्हें आहार नहीं करेंगे तो इतना अविवेक कि मैं श्वेतांबरों को भी नहीं मानता हूँ कि समोसन में जाके उसको उनके मुंह में कोर दे देंगे, कोई होगी तो निमट जाएंगे, क्यों झगड़ा, जो एक्चुअल के झगड़े हैं वे तो हमसे निबटते नहीं हैं, आप समझे ना, जो हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं है, जान लो, मेरे पूछते हैं अमेरिका में जा करके क्या सब क्या है, दिगंबर ऐसा कहते हैं, श्वेतांबर ऐसा कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आपको पता नहीं कि हम कौन है, अरे अब बता दिया था और क्या नहीं बताया जाता है, बोलो क्यों मैंने कहा भाई साहब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हम 25-30 साल से दिगंबर श्वेतांबरों समाज में बंबई आते हैं, तो हजारों लोग एक साथ मिल बैठकर हमारी तत्व की बात सुनते हैं इतने प्रेम से, तुमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या अच्छा नहीं लगता है तो ऐसी बातें करके कुछ ना कुछ विग्रह खड़ा क्यों करना चाहते हो, अरे बहुत बातें, तत्व ज्ञान ऐसा है जैन दर्शन में कि जिनमें कहीं रंज मात्र भी मतभेद नहीं है, बोलो कोई दर्शन में ऐसा लिखा हो दिगंबर श्वेतांबर में कि एक देव दूसरे देव का करता है तो बताओ, ईश्वर जगत का करता है तो बताओ, कि तत्व सात नहीं होते हैं अच्छे होते हैं बताओ, द्रव्य पांच हो, ऐसा कहीं है नहीं ना, तो मुद्दे हम उन्हीं बातों को कहते हैं जिनमें कोई मतभेद है ही नहीं, और बाकी तुम गहरे अच्छे अध्ययन करोगे तो अपने आप तुम निर्णय पर पहुंच जाओगे। जिसमें स्पष्ट मतभेद है और उन बातों को उछाल कर हम क्या करना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने तो 5 सूत्र दिए हैं, याद है, एक दफे दोहराता हूं, कल पूछूंगा कौन से, भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल की बात मत करो, कल तूने ऐसा क्यों कहा था, मैं तो उसका जवाब दूंगा तेरे को, कल तक जो हुआ हुआ, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य के लिए कोई शर्त मत रखो, नो कंडीशन, क्या कि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि कंडीशन रखी तो कोई किसी की मानने वाला नहीं है, हम पहले ही कंडीशन रखे हैं, क्यों साहब, कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे, हम तो ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी बात, हम तुम्हें अपनी बात सुनाएंगे, क्यों, अरे उन मुनिराजों ने कंडीशन नहीं रखी, किन्ने, मेरे शेर कि तू पहले कुल्ला करा फिर मैं आत्मा सुनाऊंगा, मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि वो तो मांस खा रहा था, कुछ हाथ रंगे हुए थे, कुछ पेट में मांस पड़ा था, कुछ मुंह में पड़ा था, कुछ जमीन पे पड़ा था, क्यों, और महाराज आगे आत्मा की बात सुनाने लगे, ये समझ में नहीं आए, पहले कहना चाहिए कुल्ला करके आ, झूठे को नहीं आत्मा की बात सुनाई जाती है, ये कहना चाहिए था ना, नहीं कहा, क्यों सुना दी आत्मा की बात, सुना दी यानी आत्मा की थोड़ी सुनाई थी, उन्हें तो ये सुनाई थी कि हे मृगराज तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू तो भविष्य में महावीर होने वाला है, क्यों, आत्मा की बात तो उसकी समझ में नहीं आती, बहुत सूक्ष्म होती है, क्यों, और ये स्थूल है कि तू भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, वो हमारी बाल बोध पाठमाला पढ़ा था क्या,
जिसमें लिखा था तीर्थंकर किसे कहते हैं, वो क्या जाने तीर्थंकर क्या होता है। ये भी उतनी ही कठिन है अभय कुमार जी, क्या तू तीर्थंकर होने वाला है, हे मृगराज कि मैं मृग हूँ, मैं मृग राजा हूँ कि मैं त्रियंच हूँ, क्यों? वो कुछ नहीं जानता था, कोई शब्द नहीं थे उसके, जो भी बोलते वो सभी उसकी समझ में नहीं आया ऐसा था। अभय कुमार जी आपको शायद मालूम होगा, सन 74 में तो मेरे साथ पास नहीं थे, तो मैं एक तीर्थंकर भगवान महावीर की किताब लिख रहा था, तो मेरे को आया कि इस मुनिराजों ने शेर को क्या उपदेश दिया होगा, तो मैंने सब शास्त्र खूब खंगाल लिए थे, अब मेरे गले नहीं उतर रही थी, फिर भी मैंने कुछ लिख लिखा करके वो किताब प्रेस में दे दी, अब किताब छपने में चली गई। अभी रात में सोते सोते 2 बजे मेरी समझ में आया कि भाई उसे सम्मा दर्शन हुआ ना, तो उसकी देशना लब्धि में वो जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है उस भगवान आत्मा की बात कही होगी उनने, क्योंकि देशना लब्धि तो उसी से होती है, सुमेर पर्वत की कहानियां सुनाने से थोड़ी होती है, इसलिए वो अपन को वो लिखनी चाहिए। और ये बात रही कि वो सूक्ष्म है, तो ये कौन सी उसके लिए स्थूल है, यही तर्क मैंने सोच के, और रात के 2 बजे बैठ के मैंने 4 पेज लिखे, और प्रेस वालों को जगा करके रात में ही छप रही थी किताब, मैंने फरमा मशीन पे से उतरवाया और वे 4 पेज जुड़वाए और पुराना हटाया, वे 4 पेज पढ़ना आप लोग, हे तुम भगवान आत्मा है पर से भिन्न पर्याय, बहुत सरल भाषा में और देशना लब्धि में क्या होना चाहिए वो बात उसमें संत 72-73 की बात है, तो मैंने लिखवाई थी। तो मेरा दिमाग में यही आया कि भाई आत्मा का अनुभव हुआ, सम्मा दर्शन हुआ, तो देशना लब्धि की जो मूल बात है वो ही उसमें आना चाहिए, और यदि और बातें समझ सकता है मनुष्यों की वो ख्याल में है ना, तो ये क्यों नहीं समझ सकता है, तो ये भी समझ सकता है, प्रश्न खड़ा होगा तो सब पे ही खड़ा होगा। तो ये सरलता का व्यायाम हो कि ये बात अच्छी नहीं है, ये सच्ची नहीं है, मेरे कहने का मतलब हमें उलझने से कोई मतलब नहीं है, सम्मा दर्शन हुआ ना, और सम्मा दर्शन के लिए यदि कोई देशना लब्धि होती है तो त्रिकाली तो भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाली बात ही देशना लब्धि हो सकती है, और कोई चीजें देशना लब्धि नहीं हो सकती। देशना लब्धि में क्या होना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, वो मेरा संजय 73 का लिखा हुआ उस किताब में पढ़ना, तो मालूम पड़ेगा। हाँ, 5 सूत्र बता रहे थे कि भूतकाल को भूल जाओ और भविष्य के लिए नो कंडीशन, माने मुनिराजों ने शेर से एक कंडीशन नहीं रखी कि तू कुल्ला करके आ तब मैं सुनाऊंगा, हम टोपी लगा के आ तो सुनाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करके खोल गया ये लगा के आ, ये करके आ, ये करके नहीं, कुछ नहीं, क्या बाबू भाई भविष्य का क्या नो कंडीशन, और अब तीसरी क्या, भूतकाल को भूल जाओ भविष्य के लिए नो कंडीशन, और वर्तमान में जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़े रहो, क्या मतलब, मान लो मैं टोडर मन स्मारक भवन में रहता हूँ और उसकी मजदूरी करता हूँ, उसमें काम करता हूँ, तो तुम अपना काम करो, तो तुम ये बंद करो, ये नहीं करो, ये नहीं करोगे कल से, ऐसी शर्तें मत रखो, वर्तमान में जो कर रहा है उसमें उंगली मत उठाओ कि तुम ये करोगे और ये नहीं करोगे, आप समझ गए ना, जो जहाँ है वहाँ खड़े रहो, तुम सोनगढ़ संभालो सोनगढ़ संभालो, हम जयपुर संभाल रहे जयपुर संभाल रहे, तुम दिल्ली संभालो तुम दिल्ली संभालो, बस अपनी अपनी जगह रहो, कुछ लेना नहीं देना नहीं, करो अपने अपने तरीके से, तब तो देवलाली भाई तुम देवलाली करो, हमें क्या कुछ करो, बड़ा बढ़िया है, क्या हमें बुलाओगे तो हम भी प्रयोजन कर देंगे तुम, बस और क्या है, समझ गया ना। तीसरी, जो जहाँ है वहाँ खड़े रहो। चौथी, जिन 5% बातों में मतभेद हैं, स्पष्ट मालूम है सबको, कहते हैं मैं सितंबर में क्या मतभेद हैं, इसमें क्या मतभेद हैं, इसमें क्या, सोनगढ़ जयपुर में क्या मतभेद हैं समझ लो, और जयपुर जयपुर में कितना मतभेद हैं, क्यों हेमचंद हेमचंद और पंडित हुकुमचंद में क्या मतभेद है, सब मालूम रहो अपना अपना, जिनमें मतभेद है उनके बारे में चुप्पी साधे रहो, अचर्चा से मार दो उसे, चर्चा मत करो,
जहर निकलने वाला है उसमें, कोई किसी की मानने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। तुम सीधी बात पे आक्रमण करोगे, कोई मानने वाला नहीं है, अचर्चा कर दो उसकी। और जिन 95% बातों में हमारी एक मति है, यदि ये संभव हो कि हम सब मिलके उसका प्रचार प्रसार सारे विश्व में करें, तो इससे बढ़िया दूसरी कोई बात नहीं होगी। और यदि ये संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी शक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जिससे संभव है करें, व्यर्थ में ही एक दूसरे को टांग नहीं अड़ाएं, एक दूसरे के विरोध करने में अपनी शक्ति नहीं लगाएं। ये 5 सूत्र हैं, मुमुक्षुओं में एकता के लिए, दिगंबरों में एकता के लिए, जैनियों में एकता के लिए, भारतवर्ष वालों की एकता के लिए, सारे विश्व की एकता के लिए, कहीं भी लगाओ इन 5 सूत्रों को, ये 5 सूत्रों को कहीं भी लागू करो, आपको सफलता मिल जाएगी। और इनमें तुमने उल्लंघन किया तो कहीं भी तुम कुछ कर नहीं सकते, क्या लेना देना है। उसी मुद्दे को छेड़ो कि जिस मुद्दे में हमारी तुम्हारी बननी ही नहीं है। मेरे से बहुत लोग कहते हैं आप ऐसा कहते क्यों नहीं हो उनसे, मैं एक ही कहता हूं कि मुझे पक्का पता है कि ये मानने वाला नहीं है, पर मुझको ये पता लग जाना चाहिए कि ये बात मेरी नहीं मानेगा तो मैं आप 100 दफे मेरे से कहो 1 करोड़ रुपया दो तो मेरे से उससे नहीं कहलवा सकते। जब मैं ये जानूंगा कि ये बात मेरी बात पे गंभीरता से विचार करेगा और जज जाएगी तो मान भी लेगा, और नहीं जचेगी तो नहीं मानेगा, तो मैं कहूँगा। मेरा ऐसा आग्रह नहीं है कि मैं कहूँ तो तुम मान ही लो, लेकिन उमठी बांध के बैठो तो नहीं चलेगा, क्या समझे ना बात। बात नहीं, क्या करना, क्यों समय खराब करना, क्यों शक्ति खराब करना, क्यों अपना एक मनुष्य कितना कीमती है, उसका एक मिनट एक समय कितने बर्बाद करने से दिनेश भाई क्या लाभ है, बोलो क्या फायदा है मुझे बोलो है? दुनिया है, दुनिया अकलंग देव लग गए, विभिन्न रुचियों ही लोका, ये लोग तो विभिन्न रुचि वाला है। और वास्तव में तो इसमें कितना क्लियर लिखा है, अपनी बात चल रही थी, यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो करता है। तुम्हें करता बनना है तो तुम घड़े रूप परिणमित हो जाओ, तुम्हें पर का करता बनना है तो उस रूप परिणमित होना है। ये बाइयों को यदि रोटी बनाने का करता बनना है तो इन्हें आटा बनना पड़ेगा, क्यों बन जाएंगे आटा, क्या तकलीफ है, सोच लो अभी हाल तवे पे सिकना पड़ेगा, आटा बनने का मतलब समझे ना, तवे पे सिकना पड़ेगा है? परद्रव्य के कर्ता बनना है तो परद्रव्य रूप से परिणमित होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि एक काम को 2 द्रव्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 काम 2 रूप परिणमित नहीं हो सकता। एक काम को 2 नहीं कर सकते, एक द्रव्य 2 काम नहीं कर सकता, क्यों। एक ऑफिस में बैंक की एक शाखा खोलनी थी छोटे से गांव में, तो जगह किराए से ली और कर्मचारियों के लिए कि एक मैनेजर, एक केशियर, एक क्लर्क और एक चपरासी, 4 चीजों की कम से कम जरूरत होती है। एक शाखा खोलो तो 1 रुपये का लेन देन नहीं हो तो अभी 4 आदमी के बिना बैंक का ऑफिस नहीं खुल सकता। और आप जानते हैं क्या नियम है बैंक का, कि 4 कमरे चाहिए, 1 कमरे में 4 आदमी नहीं बैठ सकते, क्यों। और वो कमरे की बैठक ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे की आंख नहीं मिले, आप जानते कि नहीं जानते, आंख नहीं मिलना चाहिए, हम बैठे अपनी कुर्सी पर बैठे तो अपनी आंख नहीं मिलना चाहिए, ऐसी होना चाहिए कि जैसे बिल्कुल आंख नहीं मिले, क्यों, क्योंकि यदि वे 4 मिल गए तो बैंक को खा जाएंगे, समझ गए ना। ये मैनेजर वहां स्वीकृति करे तो उसे वो केशियर नहीं दिखे, अब मैनेजर स्वीकृति करे तो वो जाए चपरासी ले जाए उसे किसके पास, क्लर्क के पास, तो वो क्लर्क उसमें नोट करे
कि इतने पैसे इसको दिए, पहले नामे लिखे और बाद में वो कैशियर के पास भेजे और कैशियर उसे पैसा दे, ऐसा वो निकल जाए बाहर। और शाम को तीनों का जो उसने लिखा है वो, और कैशियर का केस और मैनेजर की स्वीकृति का रिकॉर्ड, तीनों मिलना चाहिए, तब तीनों घर जा सकते हैं। नहीं मिलेगा तो रात भर वहीं रहना पड़ेगा, तब इतनी सुरक्षा है पैसा की। नहीं तो बैंकों में सब खत्म हो गया होगा अभी तक। तो इंटरव्यू हुआ, पहले सब मैनेजर साहब को चुन लिया, मैनेजर साहब को चुन लिया और कहा कि आप तुम क्लर्क और चपरासी तुम्हारे अनुकूल होना चाहिए ना, तो तुम भी इंटरव्यू में बैठो। बुलाया कि क्लर्क के लिए, तो बुलाया कि क्लर्क क्या करेगा। मैनेजर साहब बोले कि क्लर्क क्या करेगा कि वो अकाउंट जो आप मंजूर करोगे वो लिखेगा, नाम है जमा कर। क्या अभी शुरू शुरू का काम है, दो चार आएगा, दो चार नाम आएंगे, मैं तो अकाउंट का मास्टर हूँ, मैं ही लिख लूँगा। उसने कहा ठीक है, शुरू शुरू हो रहा, मैनेजर साहब कह रहे तो चलो छोड़ो। अच्छा ठीक है, ये काम यही कर लेंगे, मैनेजर साहब कर लेंगे। क्या कैशियर के, कैशियर का क्या है, कितना सा पेमेंट है, वो मैं ले दे लूँगा। क्या चलो इसको भी छोड़ो। क्या चपरासी के क्या करेगा, क्या डाकखाने में चिट्ठी डालाएगा, डाकखाने से डाक ले आएगा और इधर उधर सफाई कर लेगा, आपको पानी पिलाएगा। हम तो गांधी जी के चेले हैं, हमको कोई शर्म नहीं आती अपने कमरे की सफाई करने में, और घर पे करते ही है ना, मैं सब कर लूंगा। तो सब बोले कि हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने तुम्हें मैनेजर चुन लिया, तुम तो चपरासी के काबिल थे। क्योंकि तुम चपरासी का काम कर सकते हो। अरे भाई मैनेजर तो उसे कहते हैं, ख्याल में आए ना, कि जो अपनी कुर्सी से उठे ही नहीं, एक गिलास पानी अपने हाथ से भर के पिया ही नहीं, हमको ऐसा ऑफिसर चाहिए। ख्याल में आए ना, हमें ऐसा ऑफिसर नहीं चाहिए जो दूसरे सबका काम करे, चपरासी का भी हो, क्लर्क का भी, उसका भी। ये बैठे रहे और ये इतना नहीं कर सकते थे। अरे उतना नहीं कर, क्यों, फिर मैं पूछता हूँ ओवरसीयर खड़ा खड़ा चार तगाड़ी भी डाल दे और सुबह पानी की सिंचाई भी कर दे, सीमेंट रुकना जाए, क्यों, फिर क्या नुकसान है, हैं? फिर इंजीनियर साहब भी वही नक्शा बना दें, फिर मालिक भी आकर के थोड़ा सा खाली खाली खड़ा खड़ा क्या करें, हैं? कर दे। नहीं ऐसा नहीं होता। अरे लोक में भी सब अपना अपना काम करें तो ही शोभा पाते हैं, कोई किसी का काम नहीं करे। क्यों बोलो, तो शादी होती है ना, तुम्हारी शादी तो सभासा का काम कौन करता है, कोई है तू खेरा कोई, कि जो अपने बहन का पति होता है वो करता ना कुछ नेक में, क्यों, कुछ नेक बहन करती है, कुछ ये करती है, कि नहीं साहब हम ही सब कर देंगे, तुम तो सब कर दोगे लेकिन तुमसे कराएगा कौन। क्यों आप समझ में आई ना, इसलिए कहते भाई एक द्रव दूसरे द्रव का काम में हस्तक्षेप नहीं करे, एक वस्तु के स्वरूप के अनुरूप है, अनुकूल है। तो देखो, एका परिणमति सदा, एक द्रव्य सदा परिणमित होता है, मैं अकेला, एक मैं अकेला, परिणामो जायते सदैव सत्से, और परिणमन एक का ही होता है, और एकस्य परिणति, एक की एक में ही परिणति होती है, स्याद अनेकम अपि एकमेव, इस प्रकार के वो तीन हैं फिर भी एक ही हैं। परिणमित हुआ वो, परिणाम हुआ वो, और परिणति हुई वो। क्या कह रहे, तीन काम तीन, इस उसी द्रव्य का नाम करने के कारण कर्ता पड़ा, परिणमन के कारण कर्म पड़ा, और परिणति के कारण क्रिया पड़ा। यानी ये दो भिन्न द्रव्यों में नहीं हो सकते। तीसरा कलश नौ भव परिणमता खलु, दो मिलके नहीं परिणम सकते है ना, और दो के मिलके परिणाम पैदा नहीं हो सकते, ख्याल में है ना, और दोनों की परिणति एक साथ नहीं हो सकती है। टोटल मिल जाएगा, जिस द्रव्य की परिणति को उसी द्रव्य की कहना वो निश्चय है ना, और जिस द्रव्य का परिणाम उस द्रव्य का उसी का कहना वो निश्चय, ऐसा लिखा है ना, परिणति और परिणाम ये दो अलग अलग व्याख्याएं दी हैं, है यार कुछ
कि वो नाटक किया था बचपन में कि भूल गए सब है ना। देखो तो हिंदी में कितना साफ है, करता वही जो परण में परिणाम ही बस कर्म है, हे परिणति ही क्रिया बस तीनों अभिन्न अखंड हैं, अनेक हो कर एक हैं, हो परिणमित बस एक ही परिणाम हो बस एक का परिणाम दो का एक ना मिलकर नहीं दो परिणाम करता नहीं दो एक के हो कि निष्कर्ष का कलश है जो उदाहरण दिया है जैसे नाचारी ने तो इतना गजब है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। क्या लिखा है? हल्दी और चूना है ना। समय तो हो गया सर, सुनो एक मिनट। हल्दी और चूना, तो हल्दी होती है पीली और चूना होता है सफ़ेद, और दोनों को मिलाओ तो हो जाता है लाल। अब आप कह दो दो नहीं मिलते, होगा ना दो को मिल गया, दो मिल गए ना, क्यों? अब वो लाल रंग किसका है, हल्दी का क्या चूना का? हल्दी तो पीली होती है तो वो लाल होती नहीं, और चूना भी सफ़ेद होता है लाल होता नहीं, तो लाल रंग आया कहाँ से? कि दो के मिल के आया, तो सच दुनिया का समाधान ही है। उन्होंने खूब बहस करी, खूब बहस करी क्या, तो वो कहते हैं अंत में कि दोनों में मिले ही नहीं हैं। जब भी मिल गए उस वक्त कह रहे हैं वो मिले ही नहीं हैं। क्यों, कैसे नहीं मिले? क्या अभी देखो आपके कपड़े कुर्ते पे हल्दी लग गई, पीला हो गया, अब आप नौकर ने धोया तो उसमें चूना था काय में साबुन में, तो वो एकदम लाल हो गया। अब लाल हो गया कैसा भी तो लाल पर हो गया, अब क्या करूं? लाल कोई समस्या ही नहीं है क्योंकि लाल वो हुए ही नहीं है, क्योंकि अभी तू धो तो वो धोएगा तो वो लाल रंग निकल जाएगा और फिर हल्दी का रंग आ जाएगा क्या फिर पीला आ जाएगा, क्यों? इसका मतलब वो चूना हल्दी में मिल गया होता तो वो या तो दोनों ही रंग लाल रंग निकल जाता, तो नहीं पीली नहीं रहती वो। इसका मतलब वो तो ऊपर ऊपर से ही था, मिला था ही नहीं, वास्तव में तो मिले ही नहीं। तो उन्होंने कहा परम शुद्ध निश्चय ने से क्या है कि हल्दी और चूना मिलकर जो लाल रंग हुआ, तो परम शुद्ध निश्चय ने से वो लाल रंग है ही नहीं, हमें दिख रहा कि तुम्हारा बड़ा अच्छा परम निश्चय है। कब यही तो है, अब क्या करें, समझ लो कि आत्मा रागादिक का करता परम शुद्ध निश्चय से कौन है? तो उन्होंने कहा रागादिक है ही नहीं आत्मा में, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय है तो पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा को देखता है, और वो तो पर्याय में है, और पर्याय तो उसने देखी ही नहीं, तो इसलिए भगवान आत्मा में है ही नहीं वो। ऐसा तो ये दृष्टि है यहाँ पर, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, ये निष्कर्ष किया। और इसके बाद अपन ने वो कलश पढ़ा था, कौन सा? जो कल अपन ने पढ़ा था ना, मैं पर का करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। उनने समझा दिया, फिर भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें से एक ने नहीं माना, मैं भी जानता हूं क्या कि कितने के गले बात उतरी होगी, और यदि बौद्धिक रूप से भाषा में स्वीकार भी कर लिया होगा तो भी अंदर में किसको ये बात स्वीकार हुई होगी, ये बहुत कठिन है, क्योंकि अनादिकाल से 24 घंटे कर्तृत्व के विकल्प में, कर्तृत्व की मान्यता में रचपच रहा है, तो ये कैसे होगा? तो इसलिए मैं वो अजपादाब की बात करी थी ना आपने, कल आपने करी थी ना, किसने करी थी अजपादाब की बात? हाँ आपने करी थी। ये अजपादाब क्या है, एक एक सेकंड सुन लो कि अपन पहले बोलते हैं ना नमो ग्रंथाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम जो भी बोलते हैं कि मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, तो जब तक ये कल भाषा में चलता है
तब तो वो भाषा है, फिर जब विकल्प में चलता है मन में तो वो गुण है। जब वो भाषा और विकल्प दोनों में से तो खत्म हो जाता है, वो फिर भी ज्ञान में चलता रहता है, तो उसको बोलते अजपाजा। दुनिया में तो बहुत स्थूल अर्थ है, वो एक माला ले लेते हैं, यहाँ पर पेन लेते हैं और माला को ऐसे डाल लेते हैं हाथ में, कहते हैं अजपाजाप चल रहा है, यहाँ उनकी गप्पे लगाते रहते हैं और अंदर वो हमारा अजपाजाप चल रहा है। अजपाजाप नहीं, ये जो आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, तुमने किया तुमने नहीं किया, लेकिन अंदर में जो कर्तृत्व की मान्यता 24 घंटे विद्यमान है, वो जो विद्यमानता वही अजपाजाप है कि बिना जपे ही निरंतर कायम है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने ये आपको समझाया, आप ये समझ रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, और अंदर में मैं करता हूँ का अजबाजाप चल। और अजबाजाप कैसे टूटे, तो कहते जितना तूने वो अजबाजाप किया है, कौन सा कि मैं करता हूँ, अब उतना यहाँ रट कि मैं करता नहीं हूँ, वो वाणी से फिर तेरे मन में जाए, मन से तेरे आत्मा में जाए, और फिर तू ऊपर से करता है बोलता रहे, और अंदर में मैं करता नहीं हूँ अजबाजाप शुरू हो जाए, तो संबंध आसन हो गया, समझ जाए।